उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि यूपी और अन्य राज्यों में प्रदेश के कामगारों एवं श्रमिकों को सेवायोजित करने के लिए बनने वाले माइग्रेशन कमीशन का नाम कामगार श्रमिक कल्याण आयोग होगा। योगी ने कहा कि इसके लिए सरकार अपने एक एक कामगार व श्रमिक की स्किल मैपिंग और उनका सारा ब्यौरा इकट्ठा करेगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में पहले से ही कार्य कर रहा हो या फिर प्रवासी श्रमिक के तौर पर लॉकडाउन के दौरान वापस आया हो। प्रवासी श्रमिक व कामगार उत्तर प्रदेश के अलावा देश और दुनिया में जहाँ कहीं भी जाएगा, प्रदेश सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में अब तक 25 लाख से ज़्यादा कामगार वापस आ चुके हैं। इनमें से 15 लाख कामगारों के स्किल मैपिंग का काम पूरा हो गया है। जल्द ही सभी को प्रशिक्षण मिलेगा, जिसके बाद इन्हें रोजगार दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान सभी कामगारों को भत्ता भी दिया जाएगा। मेरठ में लिसाड़ी गेट के लखीपुरा में 50 से ज़्यादा लोगों को घर के अंदर ईद की नमाज पढ़ने से रोकने पर बवाल हो गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष भिड़ गए, जबरदस्त भिड़ंत हुई और आरोपियों ने पीड़ित के घर पर तेजाब की बोतल भी फेंकी। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। पुलिस के सामने भी जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद लाठीचार्ज करके बवाल काबू किया गया। अलीगढ़ में कस्बा दादों की मस्जिद में नमाज को लेकर सोमवार को मुस्लिम समाज के ही दो पक्ष आमने सामने आ गए, जमकर पथराव व मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हटाया। बताते हैं कि मस्जिद कमेटी में शामिल कुछ लोगों ने नमाज की थी। इन लोगों ने नमाज के लिए आए अन्य लोगों को रोका तो विवाद हो गया। तनाव देखते हुए मस्जिद के पास पुलिस तैनात है। शामली में रात के अंधेरे में जंगल में की जा रही गोकशी का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने तीन गोकशों को उपकरणों व बड़ी मात्रा में गौमांस के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अंधेरे का लाभ उठाकर दो लोग जंगल के रास्ते भागने में सफल हो गए। जलालाबाद चौकी प्रभारी योगेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए तीनों लोगों की पहचान जलालाबाद के शेरदीन पुत्र तोतिया, गुड्डू पुत्र बाबू व शाहनवाज पुत्र भूरा के रूप में हुई है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील करने का आदेश दे दिया है। डीएम के अनुसार गाजियाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के केस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले 25 वर्षीय युवक कमरान से जब उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पूछताछ की तो उसने स्वीकारा कि उसे योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के बदले 1 करोड़ रुपये देने का वादा किया गया था। अभी बाकी पूछताछ चल रही है।